हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे रेलवे में, ग्रुप डी में, और कुछ ही दिनों में मेरा स्टेशन मास्टर का ज्वाइनिंग आना है। ठीक है, पैनल रिलीज़ हो चुका है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ट्रैक मैन पोस्ट से बढ़ रहा हूँ दोस्तों। लेकिन वो टॉपिक नहीं है आज, JDC का टॉपिक नहीं है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं सितंबर 2019 में ज्वाइन किया था, 17 सितंबर 2019 में, और अभी के डेट में नवंबर 2022 का सैलरी आया है, इस 3 साल के में कितना डिफरेंस है सैलरी में, स्ट्रक्चर में कितना पेमेंट बढ़ा है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को अभी ग्रुप डी ज्वाइन करना अति आवश्यक है। ग्रुप डी को छोटा मत समझिए, ठीक है। आज के डेट में 30-35 हज़ार की जॉब होने वाली है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पूरा हम लोग इसमें सैलरी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, 3 साल में कितना पेमेंट बढ़ा, 3 साल पहले कितना पेमेंट था, आज के डेट में कितना पेमेंट है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये है दोस्तों रेस, आप लोग का एक ऐप है, ठीक है। रेस में रेलवे एम्प्लॉय सैलरी व स्लिप रहता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अपना सैलरी मिलता है, आप लोग जब रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मंथ है, तो 2022-11 है ना, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर क्या रिजल्ट आता है अभी, क्या आप लोग को ये वीडियो इस तरीके से दिख रहा होगा, जबकि मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से बनाना, लेकिन ऐप्स में ये अलाउ नहीं होता है। मैं इसके स्क्रीनशॉट खींच करके बस दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। अभी के डेट में देखिए दोस्तों, मेरा ग्रॉस है 36,574 और 33,825, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ और आप लोग को बताऊँगा, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। ये एक प्रूफ था इसलिए आप लोग को दिखाया हूँ, बाकी मेरे पास स्क्रीनशॉट को आप लोग को दिखाऊंगा। अब 2019 में देखते हैं 11 महीने में, ठीक है, नवंबर 2019 के 11 में, उस समय का देख लीजिए दोस्तों ग्रॉस कितना है। तो 26,247 और 9 रुपये बस कटे था, 26,238 रुपये, मतलब लगभग 10 हज़ार का फ़र्क है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट पर काम करते हैं। तो ये रहा दोस्तों नवंबर 2022 का पेमेंट है ये, ठीक है, सैलरी है नवंबर 2022 का। अभी के डेट में मेरा कितना पेमेंट बन रहा है देख सकते हैं। अभी नाम मेरा देख सकते हैं, TM4 में हूँ, है ना, पे लेवल 1 है, 19,700 मेरा बेसिक है। 3 प्रमोशन मिलने के बाद है, 3 साल का 3 प्रमोशन है ना, मतलब 3 बार बढ़ने का है। तो बेसिक पे देखिए 19,700 है, DA 38% जो कि 7,486 रुपये है, HRA 1,800 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1 to 4 to, नाइट ड्यूटी अलाउंस 3,262 रुपये। ये एक्चुअली में दोस्तों नवंबर महीने और अक्टूबर महीने की वजह से हुआ है। नवंबर महीने से वैसे पेट्रोलिंग शुरू हो जाता है, लेकिन अक्टूबर महीने में क्योंकि नाइट ड्यूटी चला है, इस समय में मेरा मशीन ड्यूटी चला था ट्रैक मशीन में, इसी वजह से मिला है। NH का एक दिन का अगर आप लोग ड्यूटी करते हो दोस्तों नेशनल हॉलीडे में, तो आपको 384 रुपये बनता है, इसलिए ये मिला है। और आप लोग को ट्रैक मेंटेनर लोग को हार्ड अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है 2,700 रुपये, वो मिला है। इसलिए जो टोटल क्रॉस है ये समथिंग 36,000 समथिंग हो रहा है, और डिडक्शन 2-3 हज़ार रुपये करके 33,000 रुपये मिल रहा है। ये नवंबर 2022 का, मतलब इस महीने का लास्ट जो बीता, इस महीने का पेमेंट है। अब बात करते हैं 2019 वाला पेमेंट का। तो देखिए उस समय कितना था स्टार्टिंग में, है ना। देखिए यहाँ पर ये मेरा देख सकते हो, मैं अभी राजनांदगांव में हूँ, RGN लिखा है, ठीक है, बिल यूनिट देख सकते हैं, PWI RGN। PWI मतलब क्या होता है, पीवे इंस्पेक्टर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बीरसिंहपुर का है, जहाँ मैं MP में ज्वाइन किया था। तो देखिए यहाँ पर बेसिक पे मेरा 18,000 था, जहाँ पर अभी मेरा 19,700 हो गया। वो कैसे होता है, पहले 18,500 पहले पर 1 साल के बाद जुलाई में मिलता है इंक्रीमेंट, फिर 19,100 होता है, फिर 19,700 हुआ, ठीक है, 3 साल में ये हुआ। और DA उस समय दोस्तों मात्र लगभग 17% था, अब के डेट में 21% हो गया, और आप लोग के अब के डेट में 17 से 38% हो गया। सोचो कितना बढ़ गया DA, है ना। तो 3,060 रुपये था DA का ही जो फ़र्क है, वो अब सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग को बढ़ा देगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में लगभग 1,053 रुपये मिलता था, NH का उतना ही है। ट्रैवलिंग अलाउंस में भी लगभग, ये ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों 3 दिन का मिला उस समय का होगा,
तो एक दिन का 350 रुपये रहता है अगर आप 10 घंटा 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं तो, है ना, और 12 घंटे का आप लोग के ऊपर हो जाता है तो आप लोग को 500 रुपये मिलता है। तो 3 दिन काम किया होगा करके 1050 है, 350 का 3 गुना करेंगे तो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस 2700 रुपये है, ठीक है। तो उस समय देखिए दोस्तों, उस समय हम लोग का शायद वो वाला अकाउंट नहीं बना था, शायद के वो बना ही नहीं था जिसमें डिडक्शन होता है ना। तो उस समय 26,247 रुपये बनता था, और ग्रॉस करके नेट करके 26,238 रुपये। आज के डेट में यही चीज़ नेट में 7,000 रुपये का फ़र्क हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग को अभी मिनिमम कितना मिलेगा मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ, चले देखते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करता हूँ, अभी आप लोग का 18,000 पेमेंट रहेगा बेसिक पे, जिसमें आप लोग को 38% और जोड़ दो डीए मिलेगा, जो कि 24,284 रुपये हो गए, 40 रुपये हो गए, 840 रुपये। प्लस इसमें आपका रिस्क अलाउंस 2700 रुपये मिलेगा अगर आप ट्रैक मैन हो। पॉइंट्स मैन हो तो ये चीज़ हटा देना, तो ट्रैक मैन हो तो मैं ट्रैक मैन लोगों के लिए ही लाया हूँ कि अगर बाई द वे ट्रैक मैन भी मिल जाता है तो टेंशन मत लीजिए, पैसा मिलता है, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 27,540 हो गया, प्लस आप लोग का सॉरी 1800 रुपये क्या मिलेगा आप लोग को, मिनिमम ये बता रहा हूँ 1800 रुपये आप लोग को मिलेगा HRA हाउस रेंट अलाउंस। तो 29,340 रुपये मिलना ही है आप लोग को, ठीक है, 29,440 रुपये मिलना ही है। जैसे 340 रुपये मैं आप लोग को मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें अगर पॉइंट्स मैन हो तो 2700 रुपये काट दो, तो 27,000 होता है पॉइंट्स मैन का, तो है ना। और बाकी नाइट ड्यूटी का अलग मिलता है ना, नाइट ड्यूटी का ट्रैवलिंग अलाउंस अलग मिलता है, अगर आप लोग अपने सेक्शन से 8 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं वो अलग पेमेंट मिलता है। तो आप लोग का मिनिमम अभी 30,000 रुपये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में और मिलेगा आप लोग को 10 से 12 15,000 रुपये आप लोग को टीए मिल जाता है, 8-10 हज़ार तो मिनिमम मिलता ही है, ठीक है। 28 दिन का ट्रैक मैनों का ट्रेनिंग होता है। तो ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों, मिनिमम आप लोग को कितना पेमेंट मिलेगा, या आप इससे आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, है ना, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स कीजिए। मैं GDC और LDC का डिफरेंस लाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स किसको अलाउ होता है, किसको नहीं, कब आता है क्या नहीं, सब बताऊँगा अब एक एक करके, क्योंकि मेरा भी क्लियर हो चुका है GDC में। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।